अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नायला भट्टी और आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कंदकोट में मोमेंट टेक पार्टी ने एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ पार्टियों शेर के अमन अमान के हवाले से मजीद तफसलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अब्दुल वहीद से। जी आगाह कीजिएगा अब्दुल वहीद। तो प्रेस कॉल में आल मोमेंट के पार्टी की तरफ से रैली निकाली गई, आइए उनसे जानते हैं क्या कहना है इस हवाले से। असल ये बात है कि मेरी नज़र में वाना और वज़ीरिस्तान से ज़्यादा जो दहशतगर्दी हो रही है यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में हो रही है, और हमको तो पुलिस का जो किरदार है वो खामोश तमाशा ही जैसा लग रहा है। अगर पुलिस सच्चाई पे आ जाए तो ये जो मगवी जो है अगवा हो रहे हैं, ये जो कबायली दहशतगर्दी हो रही है उन पर रोकथाम हो सकती है। हम कहते हैं कि एमरजेंसी सतह पर जल्द अज जल्द पाक फ़ौज को यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में जो है ना भेजा जाए ताकि अमन हो सके। आखुन लें, हमारे जो एमपी एमएनएस हैं वो अपने हिसाब से देख लें, इस डिस्ट्रिक्ट को देख लें, इसको लावारस ना करें। हमारे मोहसन हैं एमपी एमएनए काबिल इज़्ज़त हैं, थोड़ा सा नज़रसानी कर लें सिटियों पे। कश्मीर है, कंदकोट है, करमपुर है, घोसपुर है या तंगवानी तालका है इन शहर। जी आप इनकी बातें सुने क्या कहना है? तो ज़िले में अमन बहाल किया जाए। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ अब्दुल वहीद, कंदकोट।